कि कैबिनेट ने अब एक क्लियर किया है प्रपोजल वन नेशन वन इलेक्शन। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है इस समय, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट ने क्लियर किया है। और इसको ये हमारा जो सिस्टर चैनल है उसकी तरफ से ये न्यूज़ आई है, इसको फ्लैश करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी मिली है, ये नेशनल इंपॉर्टेंस वाली न्यूज़ है बहुत, और बहुत बड़ी नेशनल इंपॉर्टेंस वाली न्यूज़ है। आई थिंक अभी जब राहुल जोशी जी का इंटरव्यू चल रहा था निर्मला सीतारमन से, तो उन्होंने भी ये सवाल पूछा था उनसे कि ये वन नेशन वन इलेक्शन, आई थिंक ये प्राइम मिनिस्टर का एक काफ़ी एक संकल्प रहा है कि इस पर क्या बात हुई। तो निर्मला जी ने जो बात कही थी कि देखिए इलेक्शन में बहुत खर्चा होता है, प्लस इलेक्शन में खर्चा तो होता ही है, साथ ही जब जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है, तो आप कुछ फ्लैश डेवलपमेंटल इश्यूज़ नहीं कर सकते वहाँ पर, वो 3 महीने के लिए काम रुक जाते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि हर साल इलेक्शन होते ही रहते हैं, तो इसके लिए अब पता नहीं मुझे कि ये आगे अप्रूव होगा या नहीं होगा, इसके लिए क्या मतलब लोकसभा और विधानसभा से किस लेवल की मंजूरी चाहिए होगी, लेकिन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। ये हमारी सिस्टर चैनल CNN न्यूज़ 18 से इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आती है। अनुज, जो वैसे न्यूज 18 हमारी नेटवर्क की जो वेबसाइट है वही रिपोर्ट में आगे ये भी कोट कर रहा है कि शायद ये बिल पार्लियामेंट के विंटर सेशन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इनफैक्ट लक्ष्मण को ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे उनको लाने की, इसके क्या मायने रहेंगे, आई एम श्योर उनके पास कुछ और डिटेल होंगी। लेकिन जैसे अनुज कह रहे हैं, वाकई में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और इस डेवलपमेंट पर काफ़ी समय से ध्यान रखिएगा सरकार काम कर रही थी, और रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ही दरअसल पूर्व हमारे जो प्रेसिडेंट रहे हैं उनकी एक रिपोर्ट को अप्रूवल मिलता हुआ कैबिनेट में बताया जा रहा है, ये सूत्रों के हवाले से जो अपडेट आ रहा है। और शीतकालीन सत्र में माना यही जा रहा है कि इस बिल को पेश किया जा सकता है, एक देश एक चुनाव। लक्ष्मण, ये CNN न्यूज़ 18 की तरफ से जो खबर आ रही है, आप क्या और डिटेल कुछ पकड़ पाए हैं? देखिए, दरअसल दिस वन नेशन वन इलेक्शन एंड एक देश इस चुनाव की बात चल रही थी, समझा जा रहा है कि उसको कैबिनेट ने यहाँ पे मंजूरी दे दी है, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे संसद में रखा जाएगा, इसमें इससे जुड़े हुए बिल को पारित कराया जाएगा। और ये सुगबुगाहट पहले से शुरुआत हो चुकी थी, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो शुरुआती प्रस्ताव था उसके मुताबिक एक देश एक चुनाव के तहत सभी लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाए, साथ ही साथ नगर निगम के नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं स्थानीय चुनाव उन सबको एक साथ कराया जाए, और इसमें एक निश्चित अंतराल यहाँ पे रखा जाए, इस तरह का प्रावधान किया गया था। और इन प्रावधानों के साथ इस बिल पे अलग अलग राजनीतिक दलों की सहमति लेने की कोशिश की गई थी, कई राजनीतिक दल थे, करीब 12 से ज्यादा राजनीतिक दल थे जिन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन घटक दलों में सबसे महत्वपूर्ण घटक दल जो JDU है उन्होंने समर्थन किया था। पिछले जो नीतीश कुमार का बयान भी आया था कि वन नेशन वन इलेक्शन का हम समर्थन करते हैं, तो एक बड़ी बाधा जो इस बिल को पारित करने को लेकर के थी वो बिल को पारित करने की बड़ी बाधा यहाँ पे दूर होती दिख रही है। तो मुझे लगता है कि ये फैसला एक बड़ा फैसला होगा और राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील है, और हो सकता है कि सबसे कुछ ही देर बाद कैबिनेट की जो प्रेस ब्रीफिंग हो यहाँ पे इसका ऐलान किया जा सके। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट ये एक बड़ी डेवलपमेंट, और इस पर हमारी आज शाम को भी मार्केट बंद होने के बाद बड़ी चर्चा होगी, तो उसके लिए आप भी जरूर जुड़िएगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।